हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो दोस्तों, आखिरी क्लास में हम लोगों ने बात किए थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। ये तीनों टाइप ऑफ फ्यूल के हम लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी लेक्चर। तो बिल्कुल देख लीजिएगा वहाँ से। चलो, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल के जो कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट को समझ लेता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक फ्यूल की। तो हम लोगों ने क्या लिए हैं, एक फ्यूल लिए हैं एंड इस फ्यूल को हमें जलाना है। तो जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए हीट। ओके, तो हीट देना हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो हीट देने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा एंड जब ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इग्नाइशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो इसमें लग जाएगा आग। ठीक है, तो इसको जलने के लिए जो टेम्परेचर है वो मस्ट आपका इग्नाइशन टेम्परेचर में होना चाहिए। ठीक है, इग्नाइशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके ये आपका क्या होगा, ये जलने लगेगा। ओके, तो मान लेते हैं हीट देने से इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ तक पहुँच गया है एंड इसमें लग गया है आग, तो ये जलने लगा है। ओके, तो हमारा ये जो फ्यूल है वो अभी जल रहा है। ओके, तो जलने से ये क्या देगा, हमें हीट देगा। स्पेसिफिकली हमें क्या चाहिए, किसी भी फ्यूल को हम लोग क्यों जलाते हैं, ताकि हमें हीट मिले। तो हम लोग हीट के लिए ही जलाते हैं एंड ये हीट क्या है आप लोगों को पता होगा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक रूप होता है जिसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर उसको गेन करता है, उसको लेता है तो फिर वो गर्म हो जाएगा एंड उसको अगर रिलीज करेगा, छोड़ेगा तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी का ही एक रूप होता है। बाय गेनिंग इट the object become hot, ठीक है, and by releasing it object become cold, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को लेता है, एक्सेप्ट करता है तो फिर गर्म हो जाएगा, अगर हीट को छोड़ता है तो फिर वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग हीट के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसके यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यूनिट्स को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में जंप करेंगे। ओके, चलो, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि फ्यूल को जलाने से क्या मिलता है हमें, फ्यूल को जलाने से हमें हीट मिलता है। ओके, एंड फ्यूल को जलाने के लिए क्या देना होता है, हीट देना होता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच जाए, इग्नाइशन टेम्परेचर। ठीक है, जलन बिंदु भी कह सकते हैं हम लोग उसको, जलन बिंदु। ठीक है, उस टेम्परेचर पे पहुँचेगा तभी जो है फ्यूल हमारा जलने लगेगा। ओके, चलो, तो हेडिंग लगा लीजिए फटाफट से आप लोग, यूनिट्स ऑफ हीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ हीट। ये MCQ पे भी पूछा जा सकता है या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं एक मार्क का या फिर 2 मार्क का, उस वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। यूनिट में जितने भी हम लोग सीखेंगे उसमें से कोई यूनिट का आपको एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, उसका डेफिनेशन पूछ सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग CGS सिस्टम पे। CGS सिस्टम पे क्या होता है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी। ठीक है, तो CGS सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है बोलो, कैलोरी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, CGS सिस्टम में हीट का यूनिट होता है कैलोरी। एंड कैलोरी बोले तो हम लोग क्या समझते हैं, 1 कैलोरी बोले तो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature
टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? 1 कैलोरी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 1 ग्राम वाटर का, वो ओनली 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना हीट हमें देना होगा, दैट इज़ 1 कैलोरी। मान लीजिए ये 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, ये 1 ग्राम वाटर है, इसका अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, लेट सपोज दिस इज 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका अभी का टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है इसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराना है, मतलब हमें कितना बनाना है इसको, 33 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हीट देना होगा, तो कितना हीट देंगे हम लोग, 1 कैलोरी हीट देंगे। अगर हम लोग 1 ग्राम वाटर को 1 कैलोरी हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसी हीट को, इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दिस हीट इज़ 1 कैलोरी। उसी हीट को हम लोग कहते हैं क्या, 1 कैलोरी। चलो, तो नेक्स्ट सिस्टम पे जंप करते हैं। ये तो CGS हो गया, अभी MKS सिस्टम पे हम लोग बात करते हैं। MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, तो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी। ओके, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी, ठीक है। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी। सो 1 किलो कैलोरी बोले तो हम लोग क्या समझते हैं, 1 किलो कैलोरी बोले तो हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, raise the temperature of 1 kg water through 1 degree centigrade, ठीक है। ओके, तो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कराने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए, दैट इज़ द 1 किलो कैलोरी। एंड 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1000 कैलोरी, ठीक है, 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी, ठीक है। ओके, एंड वैसे ही हम लोग SI सिस्टम में बात कर सकते हैं। SI सिस्टम में क्या है, SI सिस्टम में यूनिट होता है जूल। SI सिस्टम में क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। एंड जूल का भी डेफिनेशन कुछ ऐसा ही होता है आपका, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं 1 जूल इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड कैलोरी एंड जूल के बीच में रिलेशन तो आप लोग जानते होंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। ओके, ठीक है ना, कैलोरी एंड जूल। चलो, तो 3 सिस्टम हम लोगों ने देख लिए हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग और भी 2 यूनिट देखेंगे। एक तो आपका FPS सिस्टम पे, दूसरा FPS सिस्टम पे लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो सेंटीग्रेड में होगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग बात करेंगे एफपीएस सिस्टम में हीट का यूनिट, एफपीएस सिस्टम में हीट का क्या यूनिट होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एफपीएस सिस्टम में एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकंड। ओके, तो यहाँ पे यूनिट होता है, यूनिट ऑफ हीट इज, यूनिट ऑफ हीट इज बी टी यू। अब बी टी यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बी टी यू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ओके, तो वन बी टी यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वन बी टी यू इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन पाउंड वाटर ऑफ वन पाउंड ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री फारेनहाइट वन डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो एक पाउंड वाटर का टेम्परेचर एक डिग्री फारेनहाइट इंक्रीज कराने के लिए जो हीट हमें देना होगा उसको हम लोग कहते हैं वन बी टी यू। ओके, वन बी टी यू। एक और यूनिट होता है दैट इज सी एच यू, ये भी एफपीएस में ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हम लोग लेते हैं सेंटीग्रेड। ओके, तो ये होता है आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ओके, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी, या फिर अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन पाउंड ऑफ वाटर ऑफ वन पाउंड ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक पाउंड वाटर का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना होगा उसी को हम लोग कहते हैं वन सी एच यू, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ हीट। ओके, एंड देखो यहाँ पे बी टी यू का अगर रिलेशन बताऊँ, वन बी टी यू इजिकल टू वन बी टी यू इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, 252 कैलोरी। ओके, ठीक है, एंड इसको अगर आप लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.252 के सी एल किलो कैलोरी। ओके, ठीक है ना, एंड अगर आप लोग एक किलो कैलोरी की बात करेंगे, किलो कैलोरी इजिकल टू होता है 3.9696 बी टी यू। तो दिस आर द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट ऑफ हीट। ओके, चलो, तो इतना फटाफट से आप लोग लिख लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहाँ पे कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे अभी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट, सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू को डिस्कस करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट, कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को
तीन तरह के फ्यूल दिए हैं, फर्स्ट ए एंड दूसरा जो फ्यूल है वो बी है एंड तीसरा फ्यूल है सी। तीनों का जो अमाउंट है वो सेम है, ठीक है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल दिए हैं आप लोगों को, लेकिन तीन प्रकार। ओके, इसका भी मैंने मान लेते हैं 1 किलोग्राम दिया हूँ, इसका भी 1 किलोग्राम दिया हूँ एंड इसका भी 1 किलोग्राम दिया हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये तीनों फ्यूल में कौन बढ़िया है, कौन मीडियम है एंड कौन लो क्वालिटी का है? तो वो आप लोग कैसे पहचानेंगे, वो कैसे पहचानेंगे बोलो? उसको पहचानने के लिए आपको इन तीनों फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू के सहारे हम लोग फ्यूल के जो क्वालिटी है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल आपका ख़राब है। तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू के सहारे, ठीक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू के सहारे हम लोग पता करते हैं। एंड उसका जो डिमांड होता है, जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो प्राइस होता है, उसका जो कॉस्ट होता है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ठीक है, ये तीनों अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूल है, ठीक है। पेट्रोल एक तो आपका आता है पेट्रोल, देन उसके बाद डीजल, ओके, एंड आता है केरोसिन। तो ये तीनों टाइप ऑफ फ्यूल है, तीनों ही फ्यूल है, तीनों को हम लोग जलाते हैं, लेकिन इसमें से कौन अच्छा है, कौन आपका मीडियम है, कौन ख़राब है, तो डेफिनेटली आप लोग बताएंगे कि ये थोड़ा सा अच्छा है, इससे थोड़ा सा कम ये है एंड ये सबसे कम है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई आप लोग देखेंगे पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है, डीजल का उससे थोड़ा सा कम एंड केरोसिन का उससे भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि पेट्रोल अच्छा है, डीजल ख़राब है, ठीक है, केरोसिन ख़राब होता है, पेट्रोल से बहुत ख़राब होता है केरोसिन, ठीक है। तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, देन हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है क्या, ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है क्या? देखो, कैलोरीफिक वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है। कोई भी फ्यूल को अगर हम लोग जलाएंगे तो उससे कितना अमाउंट हीट हमें मिलता है, या फिर जलने से कितना हीट रिलीज़ होता है, कितना हीट निकलता है, वही होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। एंड इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? कुछ ऐसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक फ्यूल का यूनिट मास या फिर यूनिट वेट, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, यूनिट लेना है आपको, यूनिट मास या फिर यूनिट वेट हम लोग उसका लेंगे एंड उसका हम लोग कंप्लीट बर्निंग करेंगे, ठीक है। इधर से हीट देंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट बर्निंग करेंगे, कंप्लीट इसको हम लोग जलाएंगे, कंप्लीट बर्निंग, ठीक है। एंड यहाँ से जो हीट निकलेगा, यहाँ से जो हीट रिलीज होगा, ठीक है, यही होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू सीवी। ओके, वन यूनिट ऑफ फ्यूल को अगर हम लोग कंप्लीटली जला देते हैं, वन यूनिट वेट ऑफ फ्यूल को अगर हम लोग कम्प्लीटली जला देते हैं तो उससे जो हीट निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो देखो, पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल को अगर मैं जलाता हूँ तो जो हीट हमें मिलेगा, H1 मान लेते हैं, HP मान लेते हैं, चलो HP हो गया हीट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लूँगा क्या, डीजल लूँगा, 1 लीटर डीजल लूँगा मैं, डीजल। तो यहाँ से इसको कम्प्लीटली जलाने से हमें क्या मिलता है, हीट जो मिलता है वो HD मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे लूँगा मैं 1 लीटर केरोसिन, ठीक है, 1 लीटर केरोसिन। तो इसको कम्प्लीटली जलाने से हमें क्या मिलता है, HK, ओके, ठीक है। तो ये जो हीट निकला है, ये जो हीट रिलीज हुआ है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है। तो हमें देखने को मिलेगा जो ये जो HP है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है HD एंड ये ग्रेटर देन है आपका HK के, ठीक है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल अगर हम लोग कम्प्लीटली जलाएंगे तो हमें ज़्यादा हीट मिलेगा, एंड सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन अगर हम लोग जलाएंगे तो फिर हमें कम हीट मिलेगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो फ्यूल है ये आपका अच्छा है, गुड फ्यूल है, ठीक है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इसका डिमांड भी ज़्यादा होगा, इसका क्वालिटी भी हम लोग इसको अच्छा कहेंगे, एंड जिसके लिए इसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बाकी के तुलना में, ठीक है। चलो, तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिए हैं। अभी कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से, देन उसके बाद हम लोग
कैलोरीफिक वैल्यू का दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन का दो टाइप्स होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, पूरा को पूरा लिखता हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोई भी चांस नहीं रखना चाहता कि आप लोग फिर क्या करें, कंप्लेन करेंगे, छोटा लिख रहे हैं, बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना, कितना हीट निकला है, रिलीज हुआ है फ्रॉम द कंप्लीट कंबाइशन, ठीक है, कंबाइशन बोले तो क्या, जलना, ठीक है, ये जो जलने का प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंबाइशन, कंबाइशन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द ऑफ द फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, मैंने क्या लिए हैं, 1 यूनिट मास, बोले तो 1 किलोग्राम मैंने ले लिए हैं फ्यूल, ठीक है, इसको एयर के प्रेजेंट में, मतलब यहाँ पे हमारे हवा है, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर कम्प्लीटली हम लोग जलाएंगे, कम्प्लीट अगर ये जल जाएगा तो यहाँ से जो हीट निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी देखो अभी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू के आपका दो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, एंड एक होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब ये जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, ये आपका मेजरमेंट की, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, तब जाके ये दो टाइप हमें मिल जाता है, ओके, दो टाइप हमें मिल जाता है, एक तो हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर में हम लोग क्या करते हैं, हायर में सब कुछ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन हम लोग हेडिंग लगाएंगे अभी हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एग्ज़ाम में आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोल के भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ओके, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ACV कहा जाता है एंड ग्रॉस कैलोरी वैल्यू को GCV भी कहा जाता है। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, देखो किसी भी, ये हमारा एक रूम है, ठीक है, ये जो है हमारा रूम है, एंड यहाँ पे हम लोग वन किलोग्राम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल को हम लोग जलाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, तो चलो इसमें हम लोगों ने आग लगा दी है, ये अभी जल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हीट जनरेट होगा, ये जलेगा तो ये यहाँ से हीट निकलेगा, डेफिनेटली हीट निकलेगा, एंड फ्यूल में हाइड्रोजन जो है, फ्यूल में आपका हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो आपका वेपर बन जाएगा, वो हाइड्रोजन वेपर बन जाएगा, एंड क्या है कि यहाँ पे ये वेपर इस रूम पे जो है चारों ओर फैल जाएगा,
ठीक है, बात समझ में आया। तो ये जो फ्यूल है इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इस फ्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो जलने की वजह से वो क्या हो गया है आपका, क्या हो गया है बोलो, वो हो गया है वेपर में कन्वर्ट। ठीक है, वेपर में वो है हो गया है कन्वर्ट। ओके, तो हम लोग हीट को मेजर करना चाहते हैं कि इसको जलाने से कितना हीट जो है मेजर हुआ है, सॉरी कितना हीट लिबरेट हुआ है, कितना हीट जेनरेट हुआ है। ओके, तो देखो अब ये तो आपका रूम पे ये फैल गया है चारों ओर, तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, आग का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है, टी आर मान लेते हैं टी रूम, एंड इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। तो ये जो स्टीम है ये रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा, एंड ठंडा होने से वो क्या होता है, स्टीम से किस में कन्वर्ट होता है बोलो, स्टीम से किस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए वो थोड़ा सा हीट छोड़ेगा, लेटेंट हीट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो पहले ये हमारा स्टीम है, स्टीम, अब यहाँ से अगर हम लोग हीट निकाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टीम होता है आपका गैस, तो गैस से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए यहाँ से निकलता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ये कम अमाउंट ऑफ हीट होता है तो ये हीट निकलेगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टीम है वो क्या करेगा, वो लेटेंट हीट रिलीज़ करेगा, वो लेटेंट हीट रिलीज़ करेगा, एंड हम लोग जब पूरा हीट को मापेंगे तो इसको तो हम लोग लेंगे ही, एंड इसको भी हम लोग गलती से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी रूम के भीतर जितने भी हीट हो रहा है, हीट का लेन देन हो रहा है, सारे के सारे हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो इस हीट को यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, बात समझ में आया, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि सारे के सारे हीट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हमारा जो हीट का जो वैल्यू निकलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी हीट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा वैल्यू मिलता है हीट का। ओके, तो चलो अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया है, तो फिर हम लोग बात करेंगे अभी इसका डिफिनेशन, देन उसके बाद लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू का जो डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, या फिर टोटल अमाउंट अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, यहाँ पे आप लोग टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिखिए। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन वन यूनिट ऑफ फ्यूल इज बर्न्ट completely। ठीक है, जो हम लोगों ने यूनिट फ्यूल लिए हैं उसको कम्प्लीटली बर्न किए हैं, एंड जो कंबशन प्रोडक्ट्स आर कूल्ड cooled to room temperature, ठीक है, cool to room temperature। तो ये होता है हमारा higher calorific value, ये होता है higher calorific value। तो एक room पे हम लोगों ने 1 kilogram fuel को जलाए हैं, यहाँ से जो हीट निकला है वो तो अलग बात है, यहाँ से हीट निकलेगा। ठीक है, एंड यहाँ से जो अलग अलग प्रोडक्ट निकल रहा है, यहाँ से जो अलग अलग प्रोडक्ट निकल रहा है, बहुत सारे गैसेस निकलेगा, स्टीम निकलेगा, वेपर निकलेगा। ठीक है, वो सभी के सभी को हम लोग अगर ठंडा कर लेते हैं, मतलब रूम के अंदर जो है इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं, तो ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स
वो भी थोड़ा सा हीट छोड़ेगा। कौन सा हीट छोड़ेगा? लेटेंट हीट को वो छोड़ेगा। एंड इस लेटेंट हीट को भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एंड ये वाला हीट को भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो जो हमें वैल्यू मिलेगा कैलकुलेशन के बाद वो थोड़ा सा हाई मिलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। चलो तो अब लोअर की बात करते हैं, लोअर की बात करते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेटेंट हीट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली कम हीट ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों ने ऐसे लिए हैं 1 किलोग्राम फ्यूल, ठीक है, इसको हम लोगों ने जलाए हैं कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीटली हम लोगों ने जलाए हैं, थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं छोड़े, इसको कम्प्लीटली हम लोग जलाएंगे तो यहाँ से जो हीट निकलेगा, ओके, एंड यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट्स को हम लोग रिलीज़ कर देंगे, मतलब ये हमारा जो है ये हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, मतलब इसको बाहर हम लोग फेंक देंगे, ठीक है, इसको हम लोग अवे कर देंगे, ओके, इसको हम लोग जाने देंगे, इसको पकड़ के नहीं रखेंगे रूम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका बहुत दूर जाके जो है ये ठंडा होगा, तो उसके हीट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका जो कम्बसन प्रोसेस है, ये जो जल रहा है यहाँ से जो हीट निकल रहा है, सिर्फ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका LCV, ठीक है, एंड इसका जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला हीट को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लेटेंट हीट को इस हीट को भी कैलकुलेट किया था, तो ये दोनों मिलके क्या हो रहा था, आपका ACV हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, सिर्फ इसको ही कैलकुलेट कर रहे हैं इस वाले को, ठीक है। तो ये होता है आपका लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके, अब इसका हम लोग डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू मे बी डिफाइंड LCV और NCV मे बी और डिफाइंड एज द LCV एंड NCV मे बी डिफाइंड एज द नेट हीट लिबरेटेड एज द नेट हीट लिबरेटेड व्हेन 1 यूनिट ऑफ फ्यूल फ्यूल 1 यूनिट ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज बर्न्ट एंड द कंबसन प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप एंड द कंबसन प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप। इसको हम लोग बाहर जाने दे रहे हैं, ठीक है, इज अलाउड टू एस्केप, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड ये हो गया हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, ठीक है। एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है बोलो? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ओके, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे वेपर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। LCV इज इक्वल टू ACV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड, वाटर वेपर जो कि फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ACV एंड LCV, ओके, अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन के टर्म पे लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा LCV इज इक्वल टू ACV
माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू नाइन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है, इंटू वाटर वेपर, वेपर एंड स्टीम एक ही होता है, तो लेटेंट हीट हीट ऑफ वेपर, चलो ये हम लोग देते हैं, ओके। तो अगर आप लोगों को हाइड्रोजन का वेट दिया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का, ठीक है। अगर आपको वाटर वाला दिया गया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशन है, दिस इज़ द टर्म ऑफ दिस फॉर्मूला इज इन टर्म ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वेट से इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं, एंड ये आपका हो गया वाटर वेपर, ठीक है। चलो, तो दिस इज़ द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू का रिलेशन। एंड अगर यूनिट हम लोग बात करेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू के अगर यूनिट देखेंगे तो क्या होगा बोलो, अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्यूल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि सॉलिड फ्यूल के लिए हमारे पास जो यूनिट होगा वो अलग होगा, एंड अगर बात करें लिक्विड फ्यूल के तो वहाँ पे यूनिट जो है अलग होगा, अलग अलग सिस्टम में अलग होगा। तो वो थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार देख लो एंड थोड़ा सा रिमेम्बर करने की कोशिश करो तो हो जाएगा। देखो, यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये वैल्यू एल ही होगा सिर्फ, ओके, फॉर सॉलिड फ्यूल, फॉर सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के लिए यूनिट क्या क्या होगा। अगर बात करें सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में हीट का यूनिट क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाए हैं, बताए हैं, कैलोरी एंड ये होगा ग्राम, तो कैलोरी पर ग्राम। तो एक ग्राम फ्यूल को कम्प्लीटली जलाने से जो हीट निकलेगा उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, कैलोरी में। तो ये होता है सीजीएस यूनिट, ओके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एमकेएस या फिर एसआई की बात करेंगे, एसआई या फिर एमकेएस, एसआई और एमकेएस, तो इसको हम लोग जनरली किलो कैलोरी में ही करते हैं, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। एंड बीटीयू में क्या करेंगे, इसको बीटीयू में क्या करेंगे, आपका दिस इज़ द FPS सिस्टम, FPS सिस्टम में हम लोग क्या लेंगे, BTU पर पाउंड, LB, इसको LB लिखते हैं, पाउंड को हम लोग LB लिखते हैं, दिस इज़ द पाउंड। तो एक पाउंड फ्यूल को कम्प्लीटली जलाने से जो हीट निकलेगा उसको हम लोग BTU में लिखेंगे, तो BTU पर ग्राम। ये हो गया हमारा क्या सॉलिड के लिए, फॉर गैसियस या फिर फॉर लिक्विड, अगर बात करेंगे फॉर गैसियस या फिर फॉर लिक्विड, फॉर गैसियस फ्यूल तो क्या होगा सीजीएस में बोलो, सीजीएस में हीट का जो यूनिट रहेगा वो कैलोरी ही रहेगा, लेकिन जो यूनिट हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, अब गैस को हम लोग केजी से नहीं मापते हैं, गैस को हम लोग उसके वॉल्यूम से मापते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, वो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, सीसी में हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अगर एसआई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है, एक मीटर क्यूब गैस को जलाने से जो किलो कैलोरी हीट मिलेगा वो होगा हमारा यूनिट, ठीक है। एंड अगर एफपीएस में बात करेंगे, एफपीएस में क्या करते हैं, बीटीयू अपन एलबी मतलब पाउंड का क्यूब, ठीक है, ओके। तो दिस आर द पाउंड का क्यूब, पाउंड एफ पी एस फुट पाउंड सॉरी दिस इज द फुट,
फिट 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 का क्यूब। ओके, तो एफपीएस सिस्टम में वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बोलो। एफपीएस सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट, एफपीएस में हम लोग लेंथ को किस में मापते हैं, फीट में मापते हैं। ठीक है, कितना फीट हुआ, तो फीट इंटू फीट इंटू फीट, दैट इज फीट क्यूब। ओके ठीक है, तो दिस आर द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। इन सभी यूनिट को आप लोग याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके चलो, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट है जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहारे करते हैं। ठीक है, एंड डुलोंग्स फॉर्मूला से हम लोग कैसे कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, एंड चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड क्लासेस अच्छा लग रहा है तो फिर डेफिनेटली क्लासेस को लाइक कीजिए करें, अपने कमेंट कीजिए करें। ओके चलो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।